महाराष्ट्र राज्य में चल रही सरकारी भर्तियों में घोटाला हो रहा है। मध्य प्रदेश का चर्चित व्यापम घोटाले की तरह ये भी बड़ा घोटाला है, यह कहना है आम आदमी पार्टी का, जिन्होंने आज नागपुर के झांसीरानी चौक में आंदोलन कर सरकार के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास गृह मंत्रालय है, वो चाहे तो इन सब घोटाले पर रोक लगा सकते हैं, मगर सरकार यह करती नहीं है, यह कहा आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज नागपुर में आंदोलन किया। उन्होंने आगे कहा कि इन सभी मामलों की लोकपाल द्वारा जांच होनी चाहिए। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में तलाटी भर्ती में घोटाला हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी की जबी जबी सरकार आती है तभी तभी ये भर्ती में घोटाला करते हैं। जिस तरीके से व्यापम का घोटाला मध्य प्रदेश में किया है, उसी तरीके से ये महाराष्ट्र में इन्होंने नया व्यापम का घोटाला लाया हुआ है। ये जो व्यापम का घोटाला है, इसमें तलाटी भर्ती हो, महाजनकों की भर्ती हो, या कोई भी कॉरपोरेशन या राज्य सरकार की किसी भी किस्म की भर्ती हो, इसमें इन्होंने जो भी पेपर होता है उसके पहले वो पेपर फूट जाता है। हर बार वो पेपर फूट रहा है और इसको लेके सरकार बिल्कुल उदासीन है। कोई कार्रवाई वो करना नहीं चाहती किसी भी किस्म का। वो लोग इसके ऊपर ना इंक्वायरी बिठा रहे हैं ना ये यहाँ के हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, ये गृह इनके पास गृह खाता है। इन्होंने अब तक इस विषय के ऊपर किसी भी किस्म की कार्रवाई की नहीं है। आम आदमी पार्टी की ये मांग है कि इसके ऊपर न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो भी तलाटी भर्ती या किसी भी किस्म की सरकारी भर्ती है जिसमें घोटाला हुआ है वो भर्तियां रद्द करनी चाहिए और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके माध्यम से ये भर्तियों की एग्जाम लेनी चाहिए और आगे भर्ती कर। पिछले कई सालों से चल रहे सरकारी भर्तियों में करप्शन का आरोप लगा है। महाजन को माड़ा तलाटी परीक्षाएं दोषपूर्ण तरीके से पूर्ण की गई है, ऐसा आरोप भी इस वक्त कार्यकर्ताओं ने लगा है। देखना होगा कि भविष्य में इन भर्तियों के बारे में कौन कौन से मामले सामने आते हैं। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ प्रकाश शंकरवार की रिपोर्ट।